अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। इसको सीताफल भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये तो हमने 1 किलो कद्दू लिया है और बघार में हम डाल रहे हैं। ये हमारे इस वजह से मेथी दाना पड़ता है मस्त, लेकिन मेथी दाना हमारे पास था नहीं, तो इसमें हम सरसों डाल रहे हैं दो तरह की, थोड़ी थोड़ी क्वार्टर क्वार्टर चम्मच है, क्वार्टर चम्मच ही हमारे पास है कलौंजी, और 1 चम्मच है ज़ीरा, और ये चॉप किया हुआ बारीक है अदरक, और 1 मिर्च को इस तरह से टुकड़े कर दिया है। और मसाले हमारे इस तरीके से हैं, ड्राई मसाले 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्च है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच ये सेंधा नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच है चाट मसाला, और 1/4 चम्मच ये कुटी हुई मिर्च है, और 1 चम्मच है कसूरी मेथी। और मसाले के लिए हमने ये 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और 2 ही टमाटर लिए हैं, और ये हमने थोड़ा सा आम का अचार है ये लिया है, बारीक बारीक है। अगर हमें अच्छा लगा इसी से टमाटर से, इसमें अच्छा खट्टापन आ गया तो नहीं डालेंगे, वरना तो डालेंगे। अच्छा, ये लहसुन का पेस्ट है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करें। अब बस शुरू करते हैं। और आपको देखिए, हमने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें करीब 2 चम्मच ऑयल डाला है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, 2 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो हम अदरक को बाद में डालेंगे, बाकी सारे मसालों को हम इसमें डाले दे रहे हैं बिस्मिल्लाह करके। मसाले हमारे अच्छे से कड़कने लगे हैं, इसमें बस प्याज भी डाल देंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो ये लहसुन का प्याज का और टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से रखड़ी चॉप कर लिया था। बस कलर चेंज होने तक प्याज को भूनते हैं। देखिए, प्याज में अच्छे से गुलाबी हो गई है। अब इसमें हम अपने टमाटर डाले दे रहे हैं। देखिए, अगर आप ये सब्जी व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप अदरक डाल सकते हैं इसमें, लहसुन इसमें अवॉइड करें। तो इसमें हम अदरक डाल रहे हैं, इस तरह से चॉप की हुई अदरक है। आम का अचार तो वैसे है, तो देखिए आम तो फ्रूट्स होता है तो फ्रूट्स तो खाए जाते हैं, तो आम का अचार तो डाल सकते हैं, बाकी हमने इसमें कोई ऐसी और चीज़ नहीं ली है। फिर भी अगर देखिए मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ बना रही हूँ, तो प्लीज़। इस टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, तो अब इसमें हम सारे मसालों को डाले दे रहे हैं। मेथी को भी हम साबुत ही डाले दे रहे हैं, मेथी को मसल के नहीं डाल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी लगेगी इसी तरीके से, तो मेथी को हमने साथ ही डाल दिया है। बस मसाले को भूनते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत एक आध घूंट इसमें पानी डालना पड़ेगा अभी मसाले को ऐसे। देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ऑयल भी देखिए सेपरेट हो गया है बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमारा मसाला, जिस तरह का मसाला हमें चाहिए बिल्कुल उस तरह का मसाला हमारा बन गया है। अब इसमें हम अपने सारे कद्दूओं को डाल देते हैं, जो भी बोलते हो आपके यहाँ, जो भी बोला जाता हो इसको डाल दे रहे हैं। अच्छा, हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते, हमेशा इसको बगैर पानी का बनाते हैं, लेकिन इसको बनाते हैं सिम गैस पे हैं, तेज़ गैस पे इसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये कढ़ाई का ही बहुत मज़ेदार लगता है। ऐसे तो ऐसे नहीं, अगर आपको कुकर में बनाना है तो आप कुकर में बना सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी में पानी ज़रूर हो जाता है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया सारा मसाला। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए, इसको 5 मिनट के लिए फुल गैस पर रखेंगे, फिर 10 मिनट के लिए सिम गैस पर, और फिर आपको दिखाते हैं। सीताफल की सब्ज़ी बने और पूड़ी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है।
अब इतने हमारी सब्जी बन गई है, इस तरफ हम पूड़ी बेल के रखे ले रहे हैं ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। फटाफट से एक तरफ सब्जी बन रही है तो इतने फटाफट में पूड़ी बेले ले रही हूँ अपनी। मेरी एक पूड़ी बेल गई है, इसी तरीके से मैं दूसरी भी बेले ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से अपनी दूसरी पूड़ी बेले ले रही हूँ। आप अपनी मर्जी, आप बड़ी बसे ना, इसके सब्जी के साथ बड़ी बड़ी पूड़ियाँ ही बहुत मजे की लगती है। और अपनी सारी पूड़ियों को बेले लेते हैं, फिर अब फ्राई करेंगे। आप 15 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को, देखिए माशाल्लाह कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है। देखिए कितना कलर भी कितना अच्छा, और देखिए बिल्कुल लगी भी नहीं है नीचे से, और हमने एक बूंद इसमें पानी नहीं डाला है। अभी सिर्फ टमाटर के पानी में ही बन रही है ये। आप चाहें तो इसमें दही भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा भी देखते हैं कि ये अभी गल गया थोड़ा सा, लेकिन और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए और रखते हैं कि पूड़ी से थोड़ी सी बहुत गली गली सी खाने में अच्छी लगती है। तो इसको ढक के 10 मिनट के लिए और बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जो सब्जी हमारी माशाल्लाह कितनी कलरफुल, कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें हम हरा धनिया डाले दे रहे हैं, और हरा धनिया डाल के भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए और पका देंगे। देखिए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा कि देखिए मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, लेकिन हाँ इसको पकने में वक्त लगता है कि इसको थोड़ी सी मीडियम और सिम करके पकाया जाता है। और देखिए कितनी शानदार, कितनी कितनी टेम्पटिंग लग रही है कि बनाते बनाते खाने का दिल जा रहा है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे तो बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। चलिए इसको और ढक कर ऑयल डाल दिया है, और ये हमने रिफाइंड डाला है, और इसमें एक चुटकी हम नमक डाले दे रहे हैं। नमक डालने से क्या होगा कि एक तो हमारी जो पूड़ियाँ बनेंगी वो ज़्यादा ऑयली सोखेंगी और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी भी बनेंगी। क्योंकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब एक एक करके हम बिस्मिल्लाह करके अपनी पूड़ियाँ इसमें डालते हैं। हमने ये पूड़ियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई हैं, तो इनको हम एक एक करके ही सेकेंगे, तो हमने ज़्यादा बड़ा बर्तन लिया नहीं है। थोड़ा सा ऑयल तेज हो गया है हमारा, ऑयल को कम करते हैं, आँच को कम करते हैं थोड़ी सी। देखिए कितना भटूरा जैसा एकदम से इतने शानदार हमारा पूड़ी हमारी लग रही है कि हमने ये हमारे यहाँ इस सब्जी के साथ बड़ी बड़ी पूड़ी खाई जाती है। थोड़ी सी गैस को और तेज़ करेंगे, अब तेल थोड़ा ठंडा हो गया, तो पहले तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म था। इसलिए दूसरी की पूड़ी को निकाले लेते हैं बस, और इसी तरीके से सारी पूड़ी। देखिए कितनी शानदार हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, बस हम सर्व कर रहे हैं। देखिए बिस्मिल्लाह करके सर्व कर रहे हैं, इतनी शानदार खुशबू आ रही है, खट्टी मीठी। आप इसी तरीके से बनाइएगा, हमारे तरीके से बनाइएगा, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हुई हो तो घर में आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। अब इसको हम गार्निश कर रहे हैं थोड़े से हरे धनिए से, और देखिए हमने लहसुन लहसुन हमने नहीं डाला है, बगैर लहसुन के बनाइए। और आम का अचार भी हमने नहीं डाला है, कि हमने चाट मसाला डाला था और ये सब चार डाला था, उसी से हमारा बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट खट्टापन आ गया है। और चाहो तो आप इसमें नींबू डाल सकते हो। और इसको देखिए हम किस चीज़ से खाने वाले हैं, देखिए
हमारी शानदार सी पूड़ियां बनके तैयार हो गई हैं। और देखिए जी, हमने ये साथ में छोले बनाए, ये मैंने इनको ऐसे नहीं करा है, ये सिर्फ सादा बॉयल किए हुए हैं। इसमें मैंने काला नमक डाला है और नींबू, और इसमें ये खीरा और टमाटर की स्किन निकाली हुई है, और वो है प्याज। बाकी इसमें और कोई चीज़ डाली है। देखिए परफेक्ट पूरा खाना तैयार हो गया है। आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसी तरीके से बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।